हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सांबर। ये एक साउथ इंडियन डिश है। इसे इंडिया में खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं लोग। इसे चावल के साथ खाना बहुत ही अच्छा लगता है, या तो इडली या तो डोसा, सभी चीजों के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है सांबर। इसे बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान है, सांबर बहुत ही जल्दी बन जाता है। चलिए हम सांबर बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक कटोरी दाल ले लिया है। हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें हम दाल डाल रहे है, तूर दाल लिया है। अब हम इसे वॉश करना है। थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसे अच्छे से वॉश कर रहे हैं, अच्छे से धो लेना है। हमने यहाँ पे दाल धो लिया है अच्छे से। आधे घंटे के लिए हमने इसे भिगाने के लिए रख दिया है। दाल हमारा अच्छे से भिग गया है, फूक गया अच्छे से। अब हमने यहाँ पे कुकर लिया है, हमें इसे बॉईल करना है। दो ग्लास पानी ऐड कर रहे हैं इसमें, एक चम्मच नमक डाल रहे हैं, चुटकी भर हल्दी डाल रहे हैं। अब कुकर को बंद कर रहे हैं। हमें 4 से 5 सीटियाँ लगानी है, अच्छे से दाल हमारा गल जाए। हमारे 4 से 5 सीटी हो गया है, हमारा दाल पक गया है। हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है। अब हम इसमें बड़ा चम्मच तेल डाल रहे हैं, एक चम्मच तेल डाल दिया है। 2 चम्मच राई डाल रहे हैं, आधा चम्मच हींग डाल रहे हैं। अब इसे चला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल रहे हैं, अब इसे चला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सारी सब्जियाँ कट कर ली है। 2 बड़े कांदे कट कर लिए हैं, ऐसे पतले स्लाइसेस में। 1 सहजन लिया है, इसे ऐसे पीस में कट कर लेना है हमें। थोड़ा सा भोपला लिया है, इसे छोटे पीस में कट कर लिया है। और 2 बड़े टमाटर लिए हैं, कट कर लिए इसे। अब हम इसमें तड़के में हमारे कांदा डाल रहे हैं। अब इसे अच्छे से चला लेते हैं, 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसमें सब्जियाँ डाल रहे हैं। आपको जो सब्जी अच्छी लगती हो आप वो सब्जी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सहजन लिया है और भोपला डाल रहे हैं। हमें टमाटर को बाद में डालना है, पहले इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, सारी सब्जियों को इसे अच्छे से भून लेना है। सहजन डालने से सांभर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, होटल जैसा फ्लेवर आएगा सांभर में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सहजन और भोपला डालने से। हमें इसे चलाते रहना है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी सब्जियों में, इसे चलाते रहना है। 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं जिससे टमाटर हमारी सब्जी अच्छे से पक जाएगा। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ इमली को भिगा दिया था, उसका रस निकाल लिया है। हम इसमें रस डाल रहे हैं, 4 से 5 चम्मच होंगे। इसे अच्छे से चला लेते हैं। इमली के पानी से बहुत ही खट्टा मीठा टेस्ट आता है सांभर में, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब हम इसे धीमी आंच पे हम इसे ढक के रख देते हैं जिससे हमारी सब्जी अच्छे से पक जाएगा। 5 मिनट के लिए गैस पे छोड़ देते हैं हम लो फ्लेम पे। अब हम ढक्कन खोल लेते हैं। देखिए हमारी सारी सब्जियां अच्छे से पक गई हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर रहे हैं जिससे हमारी सब्जी अच्छे से पक जाएगी। अब हम इसे ढक रहे हैं। अब हम ढक्कन को खोल रहे हैं, हमारी सब्जियां आधी पक गई हैं। अब हम इसमें मेन मसाला डाल रहे हैं जिससे हमारे सांभर में बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा सांभर मसाला। हमने यहाँ पे SRP का मसाला लिया था, सांभर मसाला। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका मसाले का। इसे अच्छे से चला लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सांभर की, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसमें हमारे दाल डालेंगे जो हमने उबाल लिया था, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसे पकने के लिए रख देना है। जितनी पतली या गाढ़ी खाना पसंद करते हैं सांभर उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ढक्कन से ढक दे रहे हैं इसे 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से उबाल आ जाए। अब हम ढक्कन को खोल रहे हैं, हमारे सांभर में अच्छे से उबाल आ गया है, हमारा सांभर बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे बाउल में हमारे निकाल रहे हैं। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।